हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आपके रूबरू आ रही हूँ क्योंकि मैं अजय बिजी थी, ऐसे व्यस्त थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। जो भी वीडियो मैं बना रही थी उसको वैसे ही डाल रही थी। और आज देखिएगा मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर हेल्थी डिश बना रही हूँ। देखिएगा, ये मैंने सूजी भिगाई है, दही और पानी डाल के। ये सूजी है मेरी, ये मेरे शिमला मिर्च कस के रखा है, ये बंद गोभी कस के रखी है, ये प्याज काट के रखा है, ये गाजर कसा हुआ है, ये आलू कसे हुए हैं, ये अदरक और हरी मिर्च काट के रखी हुई है, अदरक कस रखा हुआ है, ये मेरा अजवाइन है, ये मेरा नमक है, और ये मेरे लाल मिर्चे हैं। और देखिएगा मैं बना रही हूँ, कैसे बनाती हूँ आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, इसको मिलाया, गाजर, प्याज और आलू। आलू थोड़ी कम मिला देते हैं, ज़्यादा लग रहा मुझे। यह है शिमला मिर्च। अब मुझे लग रहा है बर्तन मेरा छोटा हो चुका है, अब मैं इसको बड़े बर्तन में लौट देती हूँ। आज मैं बहुत ही सुंदर नाश्ता बन रहा मेरा। अब मैं इन सबको मिला करके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कैसे बनाती हूँ। ये मैंने डाला इसमें एक चम्मच अजवाइन, और टेस्ट आता है अजवाइन का, बहुत स्वाद आता है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, ये मैंने नमक मिला दिया है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाएंगे कलर के लिए, वैसे तो कलर की ज़रूरत होती नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ी मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया है। और अब ये मिलाया मैंने अदरक और हरी मिर्च इसमें डाल दी है। अब हम इसको मिलाएंगे, देखिएगा, और इसकी ज़रूरत हमें लास्ट में पड़ेगी जब हम डालेंगे इसको। अब हम हाथ से ही मिलाते हैं इसको, हम पहाड़ी का तो ऐसे ही होता है, और इतनी देर रुका रहेगा, फटाफट हाथ से मिलाया बस। और इसको ऐसा पेस्ट बनाना है, ये देखिए लग रहा है ना, बहुत ही शानदार। और मैं ये चटनी बना रही हूँ, ये मेरे टमाटर हैं, ये धनिया है, और इसमें मैं डालूंगी दो हरी मिर्च, और फिर मैं ये चटनी भी पीसती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये देखिएगा, ये कढ़ाई में मैंने तेल लगा दिया थोड़ी सी, और आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा ये आपको डालना है। मैं तो छोटी छोटी बनाऊंगी। अब इसको फैला देंगे ऐसे, ये फैला दिया है, ये देखिएगा। और ये हल्के हल्के आंच में अपने आप पकता है, तब तक हम चटनी पीसते हैं। जब तक ये हल्के आंच पर पकेगा तब तक हमारी चटनी तैयार। और ये चटनी के लिए हमने इसमें डाल दिए हैं, बहुत तेज है तो ये चार मिर्चें इसमें डाल दी हैं। एक बार तवा गर्म होना चाहिए, उसके बाद हल्की आंच में बनाना है, हल्की आंच में पकाना है इसको। और ये देखिएगा, अब हम जा रहे हैं चटनी पीसने, और आप बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी चटनी भी तैयार, और ये मेरा उत्तपम भी तैयार। कितना शानदार बना है देखिएगा, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट और कितना टेस्टी बना है, प्लीज देखिएगा। साथ में चाय, चटनी और उत्तपम, इसका जो मेल है ना वो आपको खा के ही पता चलेगा। प्लीज़ आप लोग भी आइए, खाइएगा और देखिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। अब हम एक और मिनट को दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा घोल है, ये हमारा बना हुआ है मैटर,
इसमें आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बनाइएगा। ये नहीं कि हम बड़ा बना रहे हैं आपको छोटा, आप जितना बड़ा इससे भी बड़ा बना सकते हो आप। और इसको हल्के आंच में ही पकाना है क्योंकि जो हमारी सब्जियां हैं वो सब अच्छी तरह से पक जाएंगी। ये मैंने डाल दिया, अभी हल्की आंच में पक रहा है। और ये हमारी थाली तैयार, मैं जा रही हूँ बिटिया को देने, बने रहिएगा और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है और जो मेरे से बन पाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ बच्चे के चक्कर में। छोटा बेबी मेरे घर में आया हुआ है तो उसकी देख रेख, उसकी सेवा पूरी मुझे ही करनी है, तो इसलिए आप बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।